मित्रों नमस्कार, मैं संजय पथ की स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। आज इस सब्जेक्ट के लिए मैं काम करने वाला हूँ आज इस वीडियो पे, कि आप लोगों को बहुत दिक्कतें आती है कि म्यूज़िक सीखते हो 10-15 साल उसमें गवाते हो, पर कुछ दिन के बाद में ऐसा लगता है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ये जो फीलिंग जब आता है तो उसी टाइम से आपका संगीत के प्रति जो एक रुचि थी या एक लगाव था वो कम होने लगता है। आप बोलते हैं यार ये क्लासिकल म्यूजिक छोड़ दो, अब क्या है, बस सारे का मत करो। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने हमको सुर दिया है, पर वो सुर को समझने के लिए, वो कौन से सुर है, आप गाना तो गा रहे हो, जब तक सांसें चली तुझको चाहूंगा यार, अभी जागा मदप प मगरे रे मग, ये आपको समझता नहीं। अब ये ढूंढने के लिए अगर आप जाओगे तो आपको लगता है कि भैया ये तो क्लासिकल म्यूजिक सीखना है। पहले तो लोग बड़े जो से बोलते हैं और क्लासिकल सीखो, आपके आवाज़ अच्छी है, आप भी बड़े एनर्जी में आ जाते हो और क्लासिकल सीखने जाते हो, और वो फिर मास्टर बैठ रहे थे क्लासिकल के साथ साथ अप गरे सारे वाले, आप देखते हो वहाँ पे, चलो मुझे भी आएगा, बड़े सपने चलते हैं आपके लंबे लंबे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि म्यूजिक है ना, म्यूजिक समझ के आप जाते हो वहाँ पे म्यूजिक। अब वो जब चीज़ आप देखते हो, वो सीखते हो, वो समझने की कोशिश करते हो, तो वो सा के जगह रे लगता है, रे के जगह ग लगता है, वो बोलता है फिर हाँ मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलने के बाद में आप फिर बोलते हो, खुद बोलने जाते हो तो भूल जाते हो, ऐसा होता है ना कि गुरुजी के सामने जाते हो तो वहाँ पे जमता है, और उसके बाद में घर में जब आके करने की सोचते हो तो फिर बिगड़ जाता है, गलत रियाज होता है। बाकी लोग म्यूजिक को ऐसे जो नीचे नज़र से देखते हो, उनका दिमाग ठीक नहीं है, म्यूजिक को एक लेवल से देखना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट हर जगह पैदा नहीं होता, आर्टिस्ट पैदा होने के लिए ऊपर वाले की रहमत चाहिए तो आर्टिस्ट बनता है, सीखकर उसको वो तराशा जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा इल्म देता है, वो इल्म अपने अंदर रहने के बाद में उसको तराश कर ही आर्टिस्ट बन सकता है। अब बाकी लोगों के नज़र में म्यूजिक को ऐसे देखते हो उस नजरिए से कि म्यूजिक में ये अच्छा, एम ए में ये म्यूजिक किया है, उसने एम ए म्यूजिक किया है, ठीक है, एम ई बड़ा अच्छा लगता है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एम ई, तुमने क्या किया भैया, मैंने एम ए किया है म्यूजिक में, अच्छा एम ए किया है, चलो ठीक है, आगे लाइफ में क्या करने वाले हो। वो लोग सभी मतलब इंडियन मेंटेलिटी या फिर वेस्टर्न कल्चर भी ले लो, कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो पेट के लिए कमाओ, जिंदगी एक बार मिली है वो पेट तो पालने के लिए ऊपर वाले ने व्यवस्था कर ही दिया होगा कहीं ना कहीं पे, लेकिन हम लोग कैसे मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करना हो, अच्छा मुझे 16 लाख का पैकेज है, मुझे 25 लाख का पैकेज है, अरे भैया पूछो बड़े बड़े आर्टिस्ट को उनका पैकेज कितना है, तो वो कितना इनकम टैक्स भरते हैं उनको पूछो, आर्टिस्ट एक रात में, पहले 15-20 साल मेहनत तो जरूर लेना पड़ेगा, वो आप तो पढ़ाई में भी लेते हो 15-20 साल, ब्रेक के बाद इंजीनियरिंग हो जाता है, कहीं तो भी 5-6 लाख का तुमको मिलता है पैकेज, और फिर वो आपको बहुत प्राउड लगता है कि हाँ मैंने 5-6 लाख का पैकेज है, मुझे कौन से कंपनी में, अच्छा अच्छा महिंद्रा एंड महिंद्रा में, अच्छा अच्छा ज्योमेट्रिक में है, अच्छा अच्छा बिसलकॉन में, अच्छा ये सब चीज़ होती है, ये सब चीज़ आपको जिंदा तो रख सकती है, लोगों में शो ऑफ तो कर सकते हो, पर जब अकेले बैठोगे तो आपको जीने के लिए एक सहारा चाहिए, म्यूजिक। आपके अंतर्मन में जो भावनाएं चल रही है उसको आप कहाँ बताओगे, किसको बताओगे, तो गाने के साथ में ये जो चीज होती है, गाना जो होता है वो आपको अपने अंदर की बात रखने के लिए प्रवृत्त करता है। जब से तुझको देखा है सनम क्या करे कितने हैं बेचैन, जब से तुझको देखा है सनम ना 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 देचे। अब ये जो गाने हैं
ये जो फील है, चलो शब्द छोड़ो, शब्द आप देखो, लेकिन मैं देखता हूं उस सुरों का रस क्या है, सुरों का भाव क्या है, उसका सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अगर दिल से गाते हो, दिमाग से तो ठीक है शास्त्र आएगा, दिल से कला आती है। आप दिल से अगर गाओगे, क्या करे अब जब से तुमको देखा है सनम, क्या करे कितने हैं बेचैन। वो लगना चाहिए कि सच्ची में बेचैन है। तो आप लोग, फिर लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर ध्यान मत दो। आप एम ई नहीं हो, आप एम ए हो, लेकिन आप अपने आप में प्राउड करो कि आप म्यूजिक में एम ए हो। जनरल लोग कुछ ना कुछ करके पेट भर सकते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ के वो एग्जाम दे सकते हैं, म्यूजिक पढ़ के एग्जाम नहीं दे सकता आदमी। उसको रियाज की जरूरत होती है, बार 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 करने के बाद में तुमको वो सुरों के ऊपर महारत हासिल होती है। लोग क्या कहते हैं इसके पीछे मत लगो, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। और हम लोग जो है, नहीं नहीं ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, वो तुम्हें थोड़ी खिलाने आने वाले हैं, लोग तुम्हें थोड़ी कपड़े पहनाने आने वाले हैं। तुम्हारा एक अस्तित्व है, एक वजूद है तुम्हारा, उसको तुम पहचानो।